हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे इज़ माय बर्थडे एंड हर बार की तरह मुझे मॉर्निंग में मिला एक सुंदर सा बुके एंड ये किटकैट भी ऐड ऑन है। हर बार मुझे अपने बर्थडे में ये सुंदर सा रोज़ का बुके मिलता है मेरे हस्बैंड की तरफ से। और आपको मैं इस रोज़ की खूबसूरती बताना चाहती हूँ कि ये 5 कलर के रोज़ हैं। इसमें है रेड कलर, वाइट कलर, पिंक कलर एंड डार्क पिंक कलर। तो ये बहुत ही खूबसूरत बुके है मेरे लिए। हर बार अमित कोशिश करता है कि एक सुंदर सा बुके मुझे देने को। लास्ट ईयर भी उसने इसी तरह से एक बुके मुझे दिया था। तो ये बुके बहुत ही खूबसूरत है जो मेरे मॉर्निंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है बर्थडे के दिन। तो बर्थडे की शुरुआत तो बुके के साथ हर बार ही होती है एंड देन पूरे दिन हमने एंड 15 जनवरी को जैसा मेरा बर्थडे है एंड उस दिन पड़ती है मकर संक्रांति, तो हमने थोड़ा सा पूजा पाठ वगैरह किया, मंदिर गए वहाँ पर पूजा पाठ किया, देन घर आए, सिंपल सा खाना पीना घर पे किया। तो मॉर्निंग के बाद पूरा दिन तो नॉर्मल ही था, कुछ हमने खास नहीं किया, बट शाम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। शाम मेरी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं आप लोग के साथ शेयर किए बिना रह नहीं सकी। तो आप देख सकते हैं अमित पूरा एफर्ट लगा रहा है इस शाम को खूबसूरत बनाने के लिए। बैलून डेकोरेशन, लाइट्स वगैरह का पूरा इंतजाम उसने कर ही रखा है एंड अब हम जा रहे हैं तैयार होने। फर्स्टली अमित तैयार हो रहा है, देन मैं तैयार हूँगी। मैंने किया सिंपल सा मेकअप, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी आज तबीयत भी थोड़ी ढीली है। सोचा नहीं था कि बर्थडे को सेलिब्रेट करूँगी, बट साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब आप अपने आप को खास फील करते हो, तो सोचा कि बर्थडे को सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो ये ड्रेस, एक कुर्ती एंड प्लाजो अमित ने मुझे गिफ्ट किया है मेरे बर्थडे में। सडनली वो मार्केट जाके लाया, ऑनलाइन ये ख़रीदा हुआ नहीं है, मार्केट से ख़रीदा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, फर्स्ट बार में ही पसंद आ गया। तो अब मैं इसी ड्रेस को पहन के तैयार होने के लिए जा रही हूँ एंड आई एम रेडी। तो अब मैं आप लोग शायद कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगी, सिर्फ आप लोग को दिखाना चाहूँगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत रही। अमित ने मुझे कुछ इस तरह से प्रपोज किया शादी के 5 साल बाद। शायद पहली बार उसने इस तरह से मुझे प्रपोज किया होगा। कुछ इस तरह से बूम करके लाया था उसने, जो मेरे ऊपर उसने बूम किया, जो काफ़ी सरप्राइजिंग था एंड हम लोग एंड मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो और वो चीज़ होता है तो वो चीज़ आपको ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इसी तरह से हमने बहुत सारे यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक किए। सारे फ़ोटोज़ जो अच्छे फ़ोटोज़ हैं वो मैं वीडियो के एंड में आप लोग शेयर करूँगी। तो इस तरह से प्रपोज वगैरह करने के बाद हमने केक कटिंग किया। एंड देन ठंड काफी हो रखी है तो हमने तो मैंने स्वेटर पहन लिया है एंड अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद तो मुझे खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है एंड कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है चिकन 65 एंड मुर्ग मसालेदार चैम्प इस डिश का नाम है, साथ में तवा रोटी, कुछ सलाद वगैरह हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है जो बहुत ही टेस्टी है। तो हम इंजॉय कर रहे हैं अपना डिनर। करने के बाद हम जा रहे हैं घर। रास्ते में हमने कुछ डेजर्ट खाया और साथ ही लॉन्ग ड्राइव पे गए और इस तरह से मेरा दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा, बहुत मस्ती किया एंड बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट भी रहा। तो आपको मेरे ये बर्थडे व्लॉग कैसी लगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच इतने ज़्यादा विशेज़ के लिए, इतने ज़्यादा मेल्स के लिए। थैंक यू।